क्या आपको पता है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं जिनके सिक्रीशन की वजह से आपकी बॉडी में एक अलग ही ग्लो आता है। आप हमेशा खुशनुमा फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे और हेल्दी फील करेंगे। तो इन हार्मोन्स को आप अपनी बॉडी में कैसे सिक्रीट करा सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले है डोपामीन। जो डोपामीन होता है वो रिवॉर्ड केमिकल होता है। रिवॉर्ड केमिकल का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम परफॉर्म करते हैं कोई काम को, उसके रिवॉर्ड में ये सिक्रीट होता है हमारी बॉडी से। जैसे अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये हार्मोन सिक्रीट होता है। अगर आप कोई गोल अचीव करते हैं तो आपको एक अलग हैप्पीनेस फील होती है, एक जॉय फील होता है, उस कंडीशन में ये हार्मोन सिक्रीट होता है। इसके साथ ही अगर आप प्रॉपर स्लीप लेके उठते हैं ना, जो भी आपका 6 से 8 घंटे का स्लीप टाइम होता है, और अगर आपकी नींद अच्छी रही है, उसके बाद आप एक फ्रेश बॉडी फील करते हो, मतलब मॉर्निंग आपकी फ्रेश होगी, अच्छा लगता है। अदरवाइज थका थका सा फील होता है, तो जो फ्रेश फील होता है ना वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसके साथ ही हमसे कई बार कहा जाता है जब हम बहुत थके होते हैं कि नहा लो फ्रेश फील होगा, और ऐसा होता भी है। तो नहाने के बाद भी ये हार्मोन सिक्रीट होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लगता है। सो ये कुछ तरीके थे जिनकी हेल्प से आप डोपामिन सिक्रीट करा सकते हैं अपनी बॉडी में और बॉडी का एक हैप्पीनेस माहौल बना सकते। जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, जिसे कि लव हार्मोन भी कहते हैं। इसका सिक्रीशन सोशलाइजिंग से होता है, मतलब जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनसे आप मिलना पसंद करते हैं, ऐसे कोई जगह पे जाना या लोगों से मिलना, लाइफ अपनी जितनी भी आप सोशल पार्ट में इन्वॉल्व करेंगे ना, उस टाइम पे ये सिक्रीट करता है। साथ ही फिजिकल टच से, किसी अच्छे टच की वजह से भी आपका बॉडी ये हार्मोन सिक्रीट करता है। कुछ लोगों को एनिमल्स से बहुत प्यार होता है, वो एनिमल्स के आसपास होते हैं तो उनकी बॉडी में ये हार्मोन्स उस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से सिक्रीट करता है और उन्हें बहुत ही हैप्पीनेस फील होती है। इसके साथ ही कुछ लोगों की एक हैबिट होती है ना दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को हेल्प करके उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उस टाइम पे भी यही हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस फील होती है। जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है एंडोर्फिन, जिसे कि हम पेन किलर भी कहते हैं। इसका सिक्रीशन एक्सरसाइज करने से या फिर हंसने की वजह से, जब आप खुश रहते हैं ना उस टाइम पे ये सिक्रीट करता है, और बॉडी से ना आपके जितना भी पेन होता है उन सबको रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। साथ ही अगर आप अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हैं ना, उस टाइम पे भी एंडोर्फिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। जैसे बहुत लोगों को माइग्रेन के पेन में कहा जाता है ना कि म्यूजिक सुनिए आपका पेन कम होगा, उस टाइम पे यही हार्मोन सिक्रीट होता है। जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है सेरेटोनिन, जिसे कि हम मूड स्टेबलाइजर भी कहते हैं। ये यूजुअली जब आप मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं या नेचर्स वॉक, जब भी किसी गार्डन वगैरह में घूमते हैं, आप टहलते हैं जहाँ के नेचर्स का काफ़ी ग्रीन हो एरिया, उन सब जगहों पे ये हार्मोन बहुत अच्छी तरह से आपकी बॉडी में सिक्रिएट करता है और एक अजीब सा सुकून मिलता है आपको उस टाइम पे। साथ ही मॉर्निंग टाइम में जब सन एक्सपोजर में हम जाते हैं, मतलब जिस टाइम पे विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें मिलता है, वो वाली जो धूप होती है उस टाइम पे भी हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रिएट करता है। तो ये थे कुछ हार्मोन जिनको कि हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी का माहौल बहुत ही अच्छा बनाए रहते हैं, खुशनुमा रखते हैं, आपको खुश रखने में हेल्प करते हैं। और ये कुछ उपाय थे जिनकी हेल्प से आप इन्हें अपनी बॉडी में सिक्रीट करा के अपने ही आपको किसी भी प्रॉब्लम से आप निकाल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।